आज मैं जा रही हूँ बनारस। बनारस से मेरी है फ्लाइट। मम्मी जी दीदी को दही खिला रही है। पे हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। राधे राधे, आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा गुप्ता व्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? होपफुली आप लोग फिट हैं, फाइन हैं। तो आज मैं जा रही हूँ बनारस। बनारस से मेरी है फ्लाइट बेंगलोर के लिए। तो मैं घर से आज निकल रही हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं बेंगलोर में जॉब करती हूँ, तो मेरे भाई की थी शादी, इसलिए मैं बेंगलोर से यहाँ आई थी अपने नेटिव में, और मैं 2 महीने रह चुकी हूँ। तो अब मुझे वापस अपने ऑफिस लोकेशन पे जाना है। तो कल की है मेरी फ़्लाइट, और बनारस में मेरी रहती हैं बुआ, तो इसलिए मैं एक दिन पहले जा रही हूँ ताकि मैं उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ। और कल सुबह की फ़्लाइट है, तो आज ही मैं घर से निकल रही हूँ। थोड़ा नाइट भी मैं बनारस भी घूमूंगी, देखते हैं जैसा समय रहेगा। तो बस आज घर से मतलब समझ लीजिए विदाई कह लीजिए, तो विदाई हो रही है घर से। और घर से निकलना, घर से जाना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तो हम लोग मतलब मोस्टली यहीं पे रहे हुए हैं 3 साल से, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अब बार बार बेंगलोर जाना आना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। पहले रहते थे तो आदत हो गई थी, लेकिन अभी जब से घर पर रहने लगे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अटैचमेंट हो गया है। तो अभी जाते टाइम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं फील कर रही हूँ, लेकिन क्या करें, जहाँ जॉब है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। हम थोड़ी देर में ही बनारस के लिए निकलेंगे घर से। आकाश भाई गया है गाड़ी निकालने के लिए, गाड़ी आ जाएगी तो फिर हम निकलेंगे। तो आकाश भाई अभी तक आए नहीं हैं, तब तक मम्मी लेके आई यहाँ पे छाछ, और मैं अभी पी रही हूँ छाछ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को छाछ पीना पसंद है कि नहीं। देखिए आकाश भाई लगेज लेके जा रहे हैं, आराम से ले जाओ भाई, भाग गया लड़का। यहाँ पे आप लोग मिलिए हमारे गोपाल जी से, इनका लंच वंच हो गया है, बस ये सोने की तैयारी में है। बस मैं जा रही हूँ, इसीलिए अभी लेटे नहीं है, वेट कर रहे हैं मेरे जाने का। महसूस कर रही हैं, जा रहे हैं आज। रोना मत, ऑन कैमरा मत रोना। यहाँ पे देखिए भाभी जी, आप लोग बताइए भाभी जी कैसी लग रही है मेरे जाने पे, मतलब सैड हैप्पी? सैड लग रही हो, बहुत जल्दी रोने लगती हैं, तो इसीलिए अभी देखिए मुंह धुल के आई हैं, रो के मुंह धुल के रो के आई हैं। कुछ बोल बू? नहीं कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोल ही नहीं रही है, बहुत सैड है। चलो आते रहेंगे जल्दी से, तुम भी आना बैंगलोर घूमने के लिए, क्या करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी देवी और मम्मी जी, आपके ब्लॉगर का तिलक हो रहा है क्योंकि इनकी विदाई हो रही है घर से, जा रहे हैं अपने घर। बैंग नहीं जा रहे हैं भाई, बैंग अपने घर से अपने घर में जा रहे हैं बैंगलोर। मम्मी जी दीदी को दही खिला रही क्योंकि ये एक जर्नी पे जा रही हैं, ताकि इनकी जर्नी हैप्पी हो जाए, हैप्पी हैप्पी जर्नी हो जाए, इसलिए दही गुड़ इसीलिए खिलाते हैं, इसलिए दही और गुड़ खिलाते हैं। खिलाया जाए दही गुड़ खिलाया जाए। और आपकी ब्लॉगर चलने कैसा के लिए लग रहा है, आप यहाँ से जा रही हैं दीदी? बहुत बहुत अच्छा और बहुत खराब दोनों, बहुत दीदी भी मिक्स फीलिंग है, क्या बोलूं। क्योंकि आज आज खराब लगेगा, कल वहां पहुंच के अच्छा लगेगा, फिर 2 दिन खराब लगेगा, फिर 2 दिन अच्छा लगेगा। निकल चुके हैं घर से, कहाँ जा रहे हैं? बनारस। बनारस की तरफ घूमने नहीं जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि मेरा कल का फ्लाइट है बेंगलोर के लिए, तो बस अभी बनारस में रहती है मेरी बुआ, तो अभी जा रहे हैं बुआ के घर, फिर कल मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट है। तो अभी हम जस्ट घर से निकले हैं, और हमारे साथ आप भी बनारस तक का सफर तय करें। जल्दी जल्दी भाई, नहीं तो किस्मत अच्छी है। हाँ अभी तक तो गाइस यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, कहाँ पे, कौन सा हाईवे है ये है? नेशनल हाईवे 48।
नेशनल हाईवे 48 यहाँ से कितने किलोमीटर है बनारस? यहाँ से अभी हमें जाना है 120 किलोमीटर की दूरी तय करना है हम लोग को, तो आप लोग भी हमारे साथ ये दूरी तय करें और इस व्लॉग को और इस ट्रिप को एंजॉय करिए हमारे। तो गाइज अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं टोल गेट, कौन सा नंबर है टोल गेट का? टोल गेट नंबर 1। कितने टोल गेट पड़ेंगे? टोटल 2 पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट टोल गेट है, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उसमें ये ऐप के थ्रू होगा ना, फास्टैग के थ्रू पेमेंट हो जाएगा। तो उसमें ऑलरेडी पैसा वैसा डाल के रखते होगे ना? अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि फास्टैग रीड नहीं हो रहा है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा या दूसरी तरफ जाना पड़ेगा ना? दूसरी तरफ जाके पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जाके पेमेंट, अच्छा मतलब कैश देना है तो दूसरी तरफ जाना पड़ेगा? नहीं, ऑनलाइन ही कटेगा, इसमें फास्टैग रीड नहीं हो रहा था। अच्छा, हाँ हाँ। देखते हैं यहाँ पे रीड करता है कि नहीं, कि फिर हम लोग को कैश ही देना पड़ेगा। यहाँ पे कर लेगा। ओके, लेट्स सी गाइस। हाँ, हो गया फाइनली। हम लोग पहुंचने वाले हैं मछली शहर मार्केट। चलिए आप लोगों को मछली शहर मार्केट दिखाया जाए। ये तो जगह ही रोड लगा अंदर साइड। हाँ, यार बदल जाना मौसम की तरह, यार बदल जाना मौसम की तरह। यहीं पे स्वीटी दीदी का घर है ना मछली शहर में? दो लेन है, एक इस तरफ एक उस तरफ, उधर वाली कहाँ जाती है? वो जगह ही रोड जाएगी, ये जाएगा जौनपुर। मछली शहर के बाद आएगा जौनपुर है ना? मार्केट में नहीं जाएंगे हम लोग जौनपुर से 4 लेन हाईवे से निकल जाएंगे। अच्छा 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 व्यू है यहाँ का। अभी कहाँ पहुँचे भाई? जौनपुर बाईपास पहुँचे। अभी हम लोग जौनपुर बाईपास पहुँचने वाले हैं। गाइस यहाँ से हम लोग ऊपर वाला हाईवे लेके बनारस की तरफ निकलेंगे। कहाँ से होगा भाई? आगे से चलेंगे। वेर? ओके, लेट्स गो। अच्छा समझ गए, वहाँ से जाके फिर ऐसे हाईवे ले लेंगे। हाँ, 4 लेन का हाईवे चढ़ जाएगा। 4 लेन का हाईवे। सिटी पब्लिक स्कूल। गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने, आप लोग कभी बनारस गए हो कि नहीं, बनारस कौन कौन घूमा है, कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पे आप खेतों का नज़ारा देखिए। रोड खराब है क्या यहाँ का? बहुत मार्केट से आ रही है सिटी से, और इधर ये हाईवे में आके मिल जाता है, यहाँ से हम लोग जाएंगे। ओके, अभी यहाँ से कितना दूर है भाई?
यहाँ से 50 किलोमीटर अप्रोक्स, यहाँ से अप्रोक्स 50 किलोमीटर है। तो मेरे बुआ का घर बनारस में नहीं है, उसके थोड़ा सा पहले ही, मतलब हमें 40 किलोमीटर चलना है। 40 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ पे देखिए हम टोल गेट 2 पे पहुँच गए ना, ये टोल गेट 2 पहुँच चुके हैं हम। कौन आ रहा है देखिए, यहाँ पे रीड हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा ना, हर जगह सेम प्रॉब्लम थोड़ी होगी। होपफुली आज का व्लॉग आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, आज की जर्नी कमेंट में मेंशन करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल में न्यू है तो। यहाँ पे देखिए अभी हमारा नंबर आ गया है, होपफुली लास्ट टाइम की तरह प्रॉब्लम ना हो। ओ हो गया, लेट्स गो। हम लोग पहुंचने वाले हैं, अभी कितना किलोमीटर है भाई? 8 अभी 8 किलोमीटर हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे देखिए वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आपका स्वागत है। अभी 8 किलोमीटर है, मुझे लगा कि बस आने वाला है, 1-2 किलोमीटर है बस। अभी तक हम लोग खाने का ढूंढ रहे हैं, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। आकाश भाई बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? चाइनीज खाना है, चाइनीज मिल ही नहीं रहा है। हाँ ये चाइनीज, इसको खाने का मन है बट कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन बोल रहे हैं हम खा के तभी जाएंगे अगर कहीं दिखा तो। चाइनीज में क्या खाओगे? नूडल्स वूडल्स ना, मंचूरियन। हाँ नूडल्स या मंचूरियन कुछ वही सब, वो पानी पूरी का था ठेला। हाँ यहाँ भी बनारस में बतासा बोलते हैं शायद। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एयरपोर्ट है ये? यही एयरपोर्ट है? ये क्या बोलते हैं, बाबतपुर एयरपोर्ट का रनवे है, इधर से जाएंगे, इधर से हम कल जाएंगे बेंगलोर। कल सुबह है मेरी फ्लाइट 8:20 की, तो हाँ अरे रिकॉर्ड नहीं हो पाया ना। बुआ के घर से ज्यादा दूर नहीं है एयरपोर्ट, 5 मिनट की दूरी पे है बस। ब्रो अब तुम नहीं खा पाओगे चाइनीज, क्योंकि हम लोग पहुंचने वाले हैं बुआ के घर। आकाश भाई का जिद है आज, हम चाइनीज खा के ही जाएंगे। चाइनीज मांगता है इसको बस, मंगता। गाइस आप लोग को बता दूं कि हमारे गांव के लैंग्वेज में अवधि में मंगता मतलब बेगर को बोलते हैं। ये है बसनी, बसनी अंदर है यार ये बसनी। अच्छा हाँ सॉरी गाइस, यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे और इसी साइड में है एयरपोर्ट। कल मैं आप लोगों को सुबह आप लोगों को दिखाऊंगी बाबतपुर का एयरपोर्ट। और ये सीधा रूट जो है ये बनारस की तरफ जाता है ना भाई, सीधा रूट बनारस की तरफ जाएगा। और इस साइड हम लोग टर्न ले रहे हैं, मेरी बुआ का घर है यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर, जिसका नाम है बड़ा गांव, जहाँ पे मेरी बुआ रहती है। यहाँ पे देखिए कहाँ चाइनीज, यहाँ पे चाइनीज है, मिठाई का दुकान है। फूफा हमको लिवा के आए हैं एक आध बार, मतलब यहाँ मिठाई उठाई खिलाने के लिए। बसनी में होगा बस, हाँ होना चाहिए भाई यहाँ दुकान। यहाँ पे देखिए इसी को बसनी बोलते हैं, बसनी के आगे बड़ा गांव है, तो बड़ा गांव में मेरे बुआ का घर है। मतलब हम लोग बोर नहीं हुए, 3 आवर्स लगे ना भाई, हम गाड़ी में इतना कंफर्टेबल है कि बोर नहीं होते हैं, पहुंच जाते हैं फटाफट। विनायक फैमिली रेस्टोरेंट, सुनो अनुज को फोन लगाओ और पूछो कि यहाँ, पूछेंगे तभी डांट पड़ जाएगी। वो बोलेगी कि गाइस इसको देखिए मिल गए हैं पनीर मोमोज मंचूरियन एंड ओडा पाव। क्या है भाई ओंडा, ओंडा लिखा ओडा पाव कॉर्नर। चलिए यहाँ पे देखते हैं और क्या मिलता है। पूछ के आता हूँ। हाँ पूछ के आओ तुम। इस देखिए ये लड़का गया है
पूछने के लिए कि क्या क्या है, बट हमको लग रहा है दुकान अभी खुला नहीं है इसका, देखते हैं एक पाता है कि नहीं खाने को, इसको आज चाइनीज खाना है तो खाना है, ऐसा जिद कर लिया है लड़का, अभी वेट कर रहा है कि उसका दुकानदार आए और देखिए कैसे देख रहा है यहाँ से उसको पता चल रहा है कि हम यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आकाश भाई आ गया है और इसको फाइनली मोमोज, यार व्हाइट सॉस नहीं देते क्या मायनीज? यहाँ पे देखिए मस्त मजा आएगा, यहाँ इसका क्रेविंग्स पूरा हो गया है, खाते हैं अभी हम लोग मंचूरियन की क्रेविंग अभी बाकी, नूडल्स का बाकी। अच्छा चलो वहाँ पे खा लेना ना, बड़ा गाँव में भी। यहाँ पे आकाश भाई मोमोज लेके आए हैं, हम खा के बताए कैसा लगा भाई। अच्छा नहीं, थोड़ा गाना स्लो कर दो, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग भी मोमोज टेस्ट करिए। I don't have cash bro. अच्छा नहीं है, पक्का भी नहीं है। It's not good. Bad experience. मोमोज अच्छा नहीं है, बहुत घटिया मोमोज था, मतलब सही से बॉइल भी नहीं हुआ है। अच्छा वो एक ही प्लेट लेके आया था, नहीं वेस्ट हो जाता मनी। बहुत घटिया मोमोज था यार। है लेकिन इसको भूख लगा है अपना खाया जा रहा है लड़का। थोड़ा सा भी पका नहीं है। जाने तुमको नहीं लेना चाहिए, तभी बुबू घर चलोगे, बुबू मेहमान नवाजी करेंगे। ब्रो यू हैव टू इशू पेपर। गाइस देखिए ऑन कैमरा ये क्या बोल रहा है लड़का, टिश्यू पेपर गाड़ी में नहीं रखा है, गंदा कपड़ा रखा हुआ है, बोल रहा है उसी साथ पोछ लो। मुझे मंचूरियन नहीं, मैं खा के ही जाऊंगा आज। ये मंचूरियन बसनी में, बसनी है ना, बसनी में ये ढूंढेगा मंचूरियन और खाएगा, अब देखते हैं वो अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो भाई बताइए कुछ आप, क्या बताइए, मंचूरियन मिला ही नहीं। गाइस इसको मंचूरियन नहीं मिला है, पानी पूरी का एक ठेला दिख रहा है, खाना हो तो बताओ। इसको मंचूरियन खाना है, और हम लोग जो मोमोज लिए थे बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। इसे तो बेटर अपने गांव में ही मिलता है ना, तो चलो देखो वहां पे मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कभी ऐसे क्रेविंग्स होता है कुछ खाने के लिए कि बस नहीं खाना है, खाना है बस मिल जाए, बट मिलता नहीं है। है कि नहीं भाई? होटल उसका मतलब कुछ मैटर हो गया था, जैसे कि मतलब वो शायद ब्लैक मनी वनी कुछ काम होता था, तो वो उसको नीलाम कर रही है जैसा कुछ बता रहा था अनुज भाई जब मैं पिछली बार आई थी। केला 20 नहीं, केला 40 हो गया है। अब जाने दो यार, इतना मत करो भाई तुम, मंचूरियन का दुकान ढूंढ रहा है। यहाँ भी ये देखो ये कॉलेज है कोई, तुम इस कॉलेज में पढ़ूं, पढ़ाई करूं? नहीं इसमें सत्यम भाई पढ़ते हैं। फरी मोमो मंचूरियन का नहीं खाने जा रहा भाई। यार गाइस देख रहे हो आप कैसा है ये लड़का, इसको इतना खाने का मन कर रहा है यार। शाम फास्ट फूड या शाम, चलो फिर देख लो जाने तो। या न्यू इंडियन टाउन, हाँ यहाँ मिलेगा नॉनवेज है, अच्छी में नॉनवेज नहीं, नॉनवेज का स्कोर। तो यहाँ पे बस पहुँचने ही वाले है हम लोग, शाम को आऊंगा यहाँ बड़ा गाँव। वो दोनों मार्केट से अच्छा यही है यार। अच्छा हाँ सही बोल रहे हो तुम, अरे बड़ा गांव काफी बड़ा, बड़ा गांव सच में बड़ा। एक बार मैं अनुज को लेके गई थी ना, जब मैं बुआ के घर पे थी ना एक महीने, तो एक महीना? हाँ एक महीने थी मैं तब, फिर अनुज को लेके गए थे, पूरा इस मतलब ये पूरा मार्केट जो है घूमी में बहुत काफी बड़ा है, तो मतलब इसका नाम बड़ा गांव है तो सही पड़ा है, बड़ा गांव बहुत सही पड़ा है, बड़ा गांव है। क्या क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं है। बलदेव हॉस्पिटल भी आ गया, बस बुआ का घर आ गया, गुप्ता शूज हाउस, शू हाउस शू लिखा है, हाँ शू। यहाँ पे हम पहुँच गए, हॉर्न से समझ गया होगा ना। बंद है यार दुकान आज, दुकान
दुकान बंद है मतलब फूफा गए होंगे बनारस। चलो फिर देखते हैं गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। ये हमारी ब्लैक ब्यूटी जिससे हम आए हैं 130 किलोमीटर की दूरी तय करके इस बड़ा गांव में। ये भाई जा रहा है, लग रहा है फूफा जी हैं नहीं यार, हम फोन किए थे तो बोले खुला हुआ है क्या। हम पहुंच गए हैं बुआ के घर पे। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, बुआ का दुकान बंद था और देखते हैं बुआ लेकिन पहचान गई हम लोग आए यहाँ। हनुमान जी का दर्शन करिए आप लोग। यहाँ देखिए बुआ से मिलिए। राधे राधे बुआ। फूफा दुकान बंद किए हैं, मार्केट गए हैं। अनुज कहाँ है? अच्छा, लेकिन वो पहले नहीं समझ पाई थी ना? पहले हमने सामान लिया नहीं, हमने कपड़ा। अच्छा, तो यहाँ पे अनुज भाई हैं जिसका जिक्र पूरे रास्ते हुआ है। क्या भाई साहब, क्या हाल है? हाल ठीक है? नीचे वाले सुनो, पहले तुम इस लड़के को मंचूरियन या कुछ चाइनीज खिला देना। ये पगलाया हुआ है, रास्ते भर बोला है कि हमको क्रेविंग्स हो रहा है, हमको खाना है। और एक दुकान पे रुके थे, एकदम घटिया मोमोज मिला है। अनुज भाई को देखो, यहाँ पे देखिए ये लड़का अपना खाने में जुट गया है। वो ये मंचूरियन खाने के लिए परेशान था लेकिन इसको मिला नहीं, एक जगह मंचूरियन नहीं मिला, मोमोज खाया लेकिन मोमोज बहुत घटिया था। देखो जुट गया है लड़का। हाँ? क्या बोल रहे हो? शर्मा गया है ये। तुम क्या बोल रहे हो? ये खाने में जुटा हुआ है। यहाँ पे मिलिए मेरी बुआ से। ये मेरी सबसे छोटी बुआ हैं, छोटी और क्यूट और प्यारी बुआ हैं। अभी बनाने जा रही हैं। आज क्या बनाएंगी आप? समोसा और पनीर पकौड़ा। आज समोसा और पनीर पकौड़ा बनाएंगी। हम लोग आए हैं तो अभी बस किचन में है, बनाएंगी। इस टाइप का चाकू है, बहुत खतरनाक दिख रहा है। ये रामपुरी चाकू है। बुआ बोल रही कि रामपुरी चाकू है। आप लोगों को पता है कि ऐसा कोई रामपुरी चाकू है? काफी इंटरेस्टिंग चाकू दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इसको कपड़ा पहनाया गया है। कपड़ा पहना है। हाँ, वाह, रामपुरी चाकू निकल चुका है अभी। अच्छा है लेकिन ना, बड़ा है, इससे क्या कट करती हैं आप? अच्छा, तो बुआ जी अभी बनाने की तैयारी कर रही हैं समोसा। आलू बॉईल करके रख दी हैं और अदर अभी अदर व्यवस्था कर रही हैं, है ना बुआ? हाँ, यस यस। और यहाँ पे अनुज भाई भी आ गए हैं, भाग जा रहे हैं। कैमरा कॉन्शियस है, ये भाग जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से देखिए लड़का जा रहा है, कैमरे के सामने नहीं आता है। यहाँ पे बन रहा है समोसा। ये देखिए बुआ बना रही है समोसा हम लोग के लिए, और पनीर का पकौड़ा भी बनेगा इसके बाद। मस्त। यहाँ पे देखिए आकाश भाई खा रहे हैं समोसा और पनीर का पकौड़ा। कैसे बना है? अच्छा। यहाँ पे देखिए आप लोग भी। इसी के साथ हम अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल सुबह बाबतपुर के एयरपोर्ट पे। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, सी यू सून।